हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। शिकायत आप लोग को मुझसे बहुत थी कि सर आप न्यूमेरिकल्स ही नहीं डाल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स बात सही है, बहुत लंबे समय से मैंने फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं डाला। धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं डाला था। मेरा पहले फोकस था बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के कि थियोरिटिकल पार्ट को मैं पहले कंप्लीट कर दूं, इसलिए मैंने पूरा फोकस किया आप लोग का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। फिर हम न्यूमेरिकल्स लेके आ रहे हैं, अब तेज़ी से न्यूमेरिकल्स भी होगा। कुछ चेंजेस भी लाने थे मेरे को आप लोग के लिए, चेंजेस इन द सेंस हमको जो न्यूमेरिकल्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम अलग अलग बनाते हैं, उसको हम अब एक साथ कंबाइंड बनाएंगे बाइलिंगुअल। हमने डिजिटल बोर्ड भी लगाया, आपको सबको पता है। अब उसका हम थोड़ा टेक्निकल यूज़ करेंगे कि दोनों लैंग्वेज के स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन के एक साथ अपन बोर्ड पर ही डिस्प्ले करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और बाइलिंगुअल उसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमको भी थोड़ा डबल डबल वीडियो बनाने से टाइम बचेगा। दूसरा, आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, बहुत से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं और उनको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आप लोगों ने यदि लंबे समय से इसका रिविज़न नहीं किया चैप्टर का, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जरूर रिपीट कर लेंगे, ओके, ताकि आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इस तरह से हमारा टेक्निक क्या होगा, देखिए। इस तरह से अब आपको दोनों लैंग्वेज में स्टेटमेंट बोर्ड में ही मिलेंगे। वैसे पहले भी हम बोर्ड में डिस्प्ले करते थे व्हाइट बोर्ड में, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, पहले से उसको अपसेट करना, प्रोग्रामिंग। अब हमारा क्या है, डिजिटल बोर्ड पर ही ये फंक्शन है। तो ये आपको स्टेटमेंट बोर्ड में मिलेगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मैं पहले करा रहा हूँ, आपको पता है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स को कोरिलेट करता है। सीबीएसई तो करता ही है और स्टेट बोर्ड में भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको है वो आईआईटी जेई और नीट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कवर होते हैं, या उस डायरेक्ट नहीं आते तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर होता है, लेकिन आपको उसको करने हैं, इजी क्वेश्चन तो आपसे बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखो ए लॉन्ग सोलेनाइड विथ 15 टर्न्स। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हिंदी में भी बहुत, अब आप लोग को समझने में बहुत सुविधा होगी इससे। बहुत से स्टूडेंट बाइलिंगुअल होते हैं, मुझे पता है। विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनाइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। इफ द करेंट कैरिड बाय द सोलेनाइड चेंजेस स्टीडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, 2 से 4 एम्पियर हो जाता है इन 1 सेकंड। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको जो गिवन डेटा है उसको कलेक्ट करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया हुआ है, ओके। If the induced EMF in the loop while the current in changing, ये हमको EMF find करना है। एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, इकाई सेंटीमीटर में 15 बार तार को लपेटा गया, मतलब फेरे हैं। उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप है, परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर में 2 से है, ठीक है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 1 सेकंड में हो जाए, कर दिया जाए, तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, ईएमएफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये देखना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको दिया क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने को क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है अपने को। गिवन, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है ये हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, इकाई लंबाई में 15 सेंटीमीटर फेरे हैं, ठीक है, 15 फेरे हैं, ये मतलब काहे का वैल्यू हो जाएगा, ये फेरों की संख्या, फेरों की संख्या को हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो n इक्वल टू क्वेश्चन में हमको दिया है 15,
इकाई सेंटीमीटर में 15 फेरे पर सेंटीमीटर। इसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो यूनिट सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं, तो 1 मीटर में मतलब 100 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1500 पर मीटर सेंटीमीटर, ठीक मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट डेटा इज अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप एरिया दिया है, लूप का एरिया दिया है ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इक्वल इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10 to the power 2, तो ये हो जाएगा 2 × 10 to the power 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है तो 2 × 10 to the power -4 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया तो 2 × 10 to the power -4। और क्या गिवन है अपने को, धारा में परिवर्तन दिया है। देखो गिवन सबसे पहले हमको लिखना है धारा में परिवर्तन, I1 पहले उसका करंट कितना था I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, बाद में उसका करंट I2 ये हो गया 4 एम्पियर, और करंट कितने देर में इतना चेंज हुआ 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड इज टाइम, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे टाइम के चेंजेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई गिवन डेटा है अपने को, हो गया। अब यहाँ पर देखो हम धारा परिवर्तन की दर निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे धारा परिवर्तन की दर, दैट मीन्स DI/DT, क्लियर। तो यहाँ से हम सबसे पहले फाइंड करते हैं देयरफॉर DI/DT, यहाँ से हमारा एक तरह से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। DI/DT मतलब धारा में परिवर्तन की दर, तो धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है 2 से 4 हो जा रहा है, तो हो जाएगा 4 − 2 और अपॉन टाइम 0.1 सेकंड, ठीक है। 4 में 2 माइनस करेंगे तो 4 में 2 − 2 होगा 0.1 डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा वो 20 और एम्पियर पर सेकंड, ये हमने निकाल लिया DI/DT। अब हमको क्वेश्चन में बोला है धारा परिवर्तन के समय, धारा में परिवर्तन के समय विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो हमको फाइंड करना है क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर। देयरफॉर ईएमएफ हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू होता है DΦ/DT, ठीक है। फैराडे सेकंड लॉ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल का मान होता है ई इक्वल टू DΦ/DT, दैट इक्वल आगे इसको हम सॉल्व करें तो DΦ/DT ऑफ फाई होता है B × A, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्रफल। आगे इसको हम सॉल्व कर लें दैट इक्वल ए कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लें तो आगे हो जाएगा DB/DT। अब हमको परिनालिका की बात करता है, क्वेश्चन में बोला है किसके लिए, परिनालिका के लिए सोलेनाइट के लिए, तो सोलेनाइट के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है μ0 × I, तो आगे इसको हम सॉल्व करें तो इक्वल टू अपने को मिल जाएगा देयरफॉर इक्वल टू A×DY/DT ऑफ μ0 × NI, यह होता है किसी सोलेनाइट के लिए किसी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें दैट इक्वल A कांस्टेंट है वो तो बाहर ही है, μ0 भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा DI/DT, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमको μ0/4π का वैल्यू पता होता है, μ0 का नहीं होता, जनरली हम उसको यादगार नहीं रखते, तो हम μ0 को μ0/4π बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ μ0/4π को डिवाइड किया तो 4π को क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि μ0/4π को हम 10 to the power -7 लिख सकते हैं, ओके। ये 4π हो गया × A × N × DI/DT, दैट इक्वल अब पूरे वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, μ0/4π इज 10 to the power -7 × 4 × π का वैल्यू 3.14 × A एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। पीछे देखो हमने एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या निकाला है 2 × 10 to the power -4, ये हो जाएगा 2 × 10 to the power -4 इंटू फेरों की संख्या हमने वहां पर कैलकुलेट किया 1500 और इंटू DI/DT निकाला 20, यह सब हम पीछे
निकाल के रखे हैं, ये डी आई बाई डी टी हमने 20 निकाला है और यहाँ पर फेरों की संख्या 1500 पर मीटर और ये पूरा वैल्यू हमने क्या कर दिया उसमें पुटअप कर दिया। अब बस हमको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने की जो बात है, सिंप्लीफाई एक्चुअल में आपको खुद से करना है। मैं किसी क्वेश्चन पर कंप्लीट इस चैप्टर में, ऐसा भी बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हैं तो मैं तो कैलकुलेटर से आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ कोई एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको इसको प्रॉपर वे में सिंप्लीफाई करना है। ये आप लोग के लिए हर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना आपके लिए होमवर्क है। जब आप वीडियो को देखोगे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उसको आप मैनुअली रफ में लिखना और वीडियो पॉज करके वहाँ पर आप उसको सिंप्लीफाई करना। मैं सबको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और एनसीईआरटी के बुक से आंसर टैली कर करके बता दूंगा, क्योंकि मेरे को आंसर टैली करना भी जरूरी है। कई बार कहीं हम डेटा वगैरह धोखे से गलत लिख लेते हैं तो आंसर मिसमैच हो जाता है, तो आंसर मैं देख के आपको बता दूंगा। वैसे भी आपको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले आप 10 के पावर को सॉल्व करो, ये 10 के पावर को और जीरो को, दो जीरो, ये एक जीरो यहाँ पर है, इनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके, इस तरह से सबको सॉल्व करने के बाद इसमें जो आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बार 10 के पावर को मैं खुद सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ध्यान देना। सबसे पहले आप ये 4 लिख लो इंटू 3.14 लिख लो, ये 2 लिख लो, इंटीजर वैल्यूज को पहले लिख रहा हूँ मैं, ये 15 को, ये जिसमें जीरो नहीं है ये लिख लिया, और इंटू, अब जीरो जीरो को मैं छोड़ दिया तो -7 और -4 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, -11, ये -11 हो गया। उसके बाद हमको कितने जीरो अपने पास हैं, ये पॉजिटिव जीरो, ये 2 और 1 3, तो 11 में 3 माइनस होगा क्योंकि माइनस है वो प्लस है, तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 to the power -8। ऐसा आप पहले कर लो, ये काम आप पहले कर लेना। इसके बाद कैलकुलेटर से आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करना। कंप्लीट मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4 into 3.14 into 2 into 15, ये आ जाएगा 750। ठीक है, 10 to the -6 हो जाएगा, ये 750 into 10 to the power -8, और दैट इक्वल, इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करके रखूँ तो 2 decimal में इधर मैं नंबर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर डेसिमल को, तो हो जाएगा 7.5 into, यहाँ पर 2 decimal तो 2 इसमें माइनस हो जाएगा, 10 to the power -6 volt, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ये वाले लाइन को आप लोग सिंप्लीफाई करो खुद से, अपने तरीके से सिंप्लीफाई करो। तो ये इसका आंसर एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है 7.5 into 10 to the -6 volt। ओके, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन तो आसान था, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड था, बस क्या है आपको क्वेश्चन को समझना है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनके स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि पूरा सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है और सब मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 cm and 2 cm विड्थ विथ ए स्मॉल कट इज मूविंग कट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 tesla डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। व्हाट इज द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 cm/s इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फर्स्ट ए लार्जर साइड, सेकंड इज शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है स्टेटमेंट को ही समझना, ठीक है। अब हिंदी में देखो, आप इसका स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ। एक आयताकार लूप है अपने पास, इसकी भुजाएं 8 cm and 2 cm है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है अपने पास और एक 8 है एक 2 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। लूप बनाने के लिए कटिंग करते हैं क्योंकि उसमें हमको करंट सप्लाई करना होता है। इस तरह से
यह लूप अपने तल के अभिलंबवत -3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 cm/s हो, वो लूप जो है बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, अभी मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूँ, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। लूप की गति अभिलंबवत है, पहला बोलता है लूप की लंबी भुजा और सेकंड लूप की छोटी भुजा के। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही अलग है, इसीलिए मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ एनसीईआरटी पर। शुरू से मेरे पूरे वीडियो पहले एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में फिर आपको कराऊंगा, तो वो फिर मेरा अपना कलेक्शन होगा बहुत से राइटर से, क्लियर। अभी मैंने एनसीईआरटी पर फोकस न्यूमेरिकल कराया है, ओके। ओके, चलिए अब अपन यहां पर देखते हैं इसका कैलकुलेशन दिया क्या है। पहले मैं आपको लूप बना दूं, ठीक है। लूप बना के मैं आपको यहां पर बता दूं पहले, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सुविधा हो। लूप ऐसा होता है, ठीक है, और हमको क्वेश्चन में दिया है 2 cm/8 cm, ठीक है। तो लेंथ में तो सपोज मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस करना था, खैर चलता है वो, ये 2 cm और 8 cm, 2 cm and 8 cm ये इसका लेंथ है और विड्थ है। क्या बोला गया है, एक बार इसको क्या करते हैं अपन, मोशन कराते हैं इसको, एक बार मोशन कराएंगे इस डायरेक्शन में, मतलब इसके अकॉर्डिंग, ये लेंथ के अकॉर्डिंग, और एक बार इसको मोशन कराएंगे हम इसमें, और वेलोसिटी हमको दिया हुआ है कितना, 1 cm/s, 1 cm/s, ओके। चलिए तो हम सबसे पहले लिख लें गिवन, क्या करना क्या है, ये लूप है और एक बार जब उभर मोशन करता है तो इसमें कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और जब ऊपर गति करेंगे तो कितना होगा। दो कंडीशन दिया है, देखो क्वेश्चन में बोला है पहला लूप की लंबी भुजा के अनुदिश, दूसरा लूप की छोटी भुजा। ये लूप की लंबी भुजा है, उधर ले जाएंगे या नीचे भी ला सकते हैं, और ये इसकी छोटी भुजा है, ओके। तो सबसे पहले हम लिख लें इसमें गिवन, देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं ना, तो हमको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में ये ध्यान देना, 8 cm और 2 cm लेंथ, तो हमने लेंथ ले लिया 8 cm, 8 cm को हम मीटर में चेंज करें तो 8 × 10⁻²⁰ m, क्लियर। विड्थ, तो विड्थ कितना है 2 cm, 2 cm दैट इक्वल 2 × 10⁻²⁰ m, ये विड्थ दे दिया। गिवन लिखना आपको जरूरी है, जब तक आप गिवन को प्रॉपर नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। इसका बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अभिलंबवत, ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, एक्चुअल में वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 0.3 टेस्ला एंड इट्स वेलोसिटी इज 1 cm/s। वेलोसिटी हमको दिया है 1 cm/s या सेकंड इनवर्स, इतना हमको डेटा गिवन है। अब इसके बेस पर यहाँ हो क्या रहा है, आप सिचुएशन को समझना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड पर क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है ऊपर और आगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का EMF का कैलकुलेशन करना है। तो पहले पार्ट में लंबी भुजा के, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, लॉन्गर साइड,
A is longer side. लॉन्गर साइड के लिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कैलकुलेशन करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू बी एल वी, E इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और इनटू लेंथ, या बी एल वी या बी वी एल वी लिख सकते हैं। यह इंटेंसिटी फार्मूला आपको प्रॉपर याद होना चाहिए तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यह है इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज को हम पुट अप कर देते हैं, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये 0.3 टेस्ला दिया हुआ है, 0.3 टेस्ला, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 1, वेलोसिटी इज 1 ना, वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी इसको भी अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। वन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10^-2 मीटर पर सेकंड। ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा अपने को। वन इंटू 10^2 1×10^-2 मीटर पर सेकंड, इन ये हो गया वेलोसिटी, इनटू लेंथ, लेंथ गिवन है क्वेश्चन में कितना, 8, ये पीछे लिखे थे ना अपन लेंथ, 8×10^-2 8×10^-2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देखिए तो 10 के पावर को पहले अपन सॉल्व कर लें, ये तो हो गया 8 × 3 जा हो गया 24 और इनटू 10^-4, ठीक है, वोल्ट। कितना आंसर दिया है फर्स्ट पार्ट, 2.4×10^4 वोल्ट, क्लियर। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो ये कंप्लीट आंसर नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक स्थिति में उत्तर प्रेरित वोल्ट कितने समय तक टिकेगी, मतलब यहां पर हमको टाइम पूछा है, यहां पर ध्यान देना, कितने समय तक यहाँ पर लिखा है इंग्लिश मीडियम में, देखो ये नॉर्मल टू बी ए लास्ट इन ईच डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम तक, तो हमको टाइम भी निकालना है इसमें, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे अपन, देखिए हमको निकल गया यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना वोल्ट, अब निकालना है टाइम, देयर फॉर टाइम इक्वल टू, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट एस और वेलोसिटी वी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, ये लॉन्गर साइड के लिए बात हो रहा है, फॉर लॉन्गर साइड, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा केयर करना, लॉन्गर साइड है 8 सेंटीमीटर, मतलब लॉन्गर साइड जब मोशन करेगा तो लॉन्गर साइड जब मोशन करेगा तो ये जो साइड साइड है 2 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना, ये लॉन्ग लेंथ वाला मूव हो रहा है अपवर्ड, तो डिस्टेंस तो ये ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं करेगा, डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, जो 2 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपन किसको पुट करेंगे, 2 अपन चेंज किया है ना, ये 2×10^-2 मीटर में चेंज किया है, और अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है यहां से देखो 10^-2 10^-2 दैट मीन्स 2 सेकंड, 2 सेकंड इज आंसर, ठीक है, कितना सेकंड दिया, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड टाइम तक वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा, कितना वोल्ट, 2.4×10^-4। एग्जैक्टली इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को कर लें, सेकंड पार्ट में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखो,
सार्टर साइड, ठीक है, हर सार्टर साइड। तो कंप्लीट कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। सार्टर साइड के लिए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा, इंटेंसिटी वही है 0.3 और इनटू, यहां पर हमने लॉन्गर साइड के लिए इसको तो वेलोसिटी तो वही होगा 1 × 10⁻², इनटू डिस्टेंस उसका हो जाएगा 2 × 10⁻², दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 3×2 = 6, मतलब 0.6 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये हो जाएगा। और इसके लिए हम टाइम निकालें तो टाइम इक्वल टू वही डिस्प्लेसमेंट अपन, ओह सॉरी यहाँ पर टाइम लिख दिया ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी 10⁻²। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो सार्टर साइड मोशन कर रहा है, एक बार फिगर में आपको फिर बता दूं मैं, सार्टर साइड मतलब ये वाला साइड। अब ये वाला साइड जब इधर मोशन करेगा तो डिस्प्लेस रिंग इधर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर हम किसको पुट करेंगे, 8 × 10⁻², और अपॉन वेलोसिटी तो वही है 10⁻², दैट इक्वल 10⁻², कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा 8 सेकंड, ये इसका आंसर है। ओके, तो सेकंड आंसर इज 8 सेकंड, क्लियर क्वेश्चन आपको। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, लेकिन यहाँ पर टाइम निकालना है, थोड़ा केयर करना, दो अलग अलग कंडीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, वैल्यू कैसे पुट अप कर रहे हैं अपने को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेट विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन इन, द अदर इन ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विथ ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, ए कॉन्स्टेंट एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, कैलकुलेट द EMF डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। हिंदी में क्या मतलब है, 1 मीटर लंबी की धातु की छड़, हमारे पास 1 मीटर लंबी एक मेटेलिक रॉड है, उसके एक सिरे पर जाने वाले अभिलंब के परितः इतना 400 रेडियन पर सेकंड से वो रोटेट हो रहा है, अभी फिगर में आपको बता देता हूँ, की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही, छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्क, उसका जो सेकंड नंबर का इंड है उसमें एक रिंग लगा हुआ है, ठीक है, अक्ष के अनुदिश सभी जगह, ये टेस्ला इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, वलय तथा अक्ष के स्थापित विद्युत वाहक बल की, यहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कैलकुलेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लें, गिवन हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो तो हमको क्वेश्चन में दिया है लेंथ, लेंथ इज रॉड का लेंथ 1 मीटर, सेकंड ओमेगा 400 रेडियन पर सेकंड, क्लियर, या सेकंड इनवर्स मतलब एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0.5 टेस्ला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित, वेला तथा अक्ष के बीच विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, हमको EMF क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि ये L ओमेगा B दिया है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम एक बार समझें ध्यान से। तो यहाँ पर अपने पास एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है, ये सपोज एक मेटेलिक रॉड है, और इस मेटेलिक रॉड के एक इंड पर एक रिंग लगा है, ये रिंग है, और इस मेटेलिक रॉड को यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसा, ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो रॉड है,
और यहाँ पर एक रिंग लगा हुआ है और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में इतने इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं और रोटेशन का ये रोटेशनल मतलब वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी 400 रेडियन पर सेकेंड। तो यही क्वेश्चन का सिचुएशन है और इस सिचुएशन पर हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ई, क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट है, ई का फार्मूला है ना, लीनियर वेलोसिटी भी चाहिए अपने को इसके लिए, सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी चाहिए ना, आर ओमेगा, तब तो हम बी का वैल्यू निकाल सकेंगे। बी इक्वल टू होता है, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फार्मूला होता है, एक मिनट ध्यान देना यहां पर ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फार्मूला होगा बी एल वी, ये होगा। पहले आप समझो कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड करना है। तो बी एल वी क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला होता है। अब अपने क्वेश्चन में हमको बी पता है, एल पता है, ठीक है, और हमको चाहिए वी, और क्वेश्चन में दिया है ओमेगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, वी इक्वल टू आर ओमेगा से, चूंकि वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, देयर फॉर वी इक्वल टू, यहां पर आर मतलब क्या है, इसका लेंथ, यही इसका रेडियस है, क्योंकि इसी के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो इसका लेंथ है, तो हो जाएगा एल इंटू ओमेगा, तो वी इक्वल टू एल इंटू ओमेगा हो जाएगा। देयर फॉर हमारा फार्मूला किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, देयर फॉर ई इक्वल टू बी इंटू एल और इंटू एल ओमेगा, ये वी की जगह हम पुट कर देंगे क्या, एल इंटू ओमेगा, तो बी इंटू एल इंटू एल इंटू ओमेगा, दैट मीन्स बी एल ओमेगा स्क्वायर, बी एल स्क्वायर ओमेगा, देयर फॉर ई इक्वल टू होगा बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। फार्मूला मैंने कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पर देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.5 टेस्ला, ओके, तो हो गया 0.5 टेस्ला इंटू एल, एल हमको लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 का हम कर देंगे स्क्वायर और इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज 400 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसके वैल्यू को पुट कर देंगे 400 का होल स्क्वायर, ओके। तो हमने जो E का जो फार्मूला होता है जिसमें V का जरूरत होता है, उस V को हमने क्या किया, ओमेगा के फॉर्म में चेंज किया। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है, ये वाला स्टेप आप याद रखना। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो कैलकुलेशन में ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1, तो कोई मतलब नहीं है, इसका हो जाएगा 400 इंटू 400, दैट इक्वल 1, 2, 3, 4 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, डेसिमल लगा है, तो 2 इंटू और ये हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब सीधा इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁴ वोल्ट, 8 × 10⁴ वोल्ट, कितना आंसर आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, क्या दिक्कत हुआ, 100 वोल्ट कैसे आएगा, एक सेकंड है, अरे ओमेगा स्क्वायर कहाँ से पुट कर दिया मैं, पहली बात 400, एक मिनट थोड़ा चेंज करता हूँ इसके कैलकुलेशन को, वैल्यूज मैंने गलत पुट कर दिया, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना,
ये मैं ध्यान नहीं दिया, ये जो राड है ये इनिशियली क्या है, इनिशियली ये राड क्या है, रेस्ट पोजिशन पर है। पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो रेस्ट है, मतलब स्थिर अवस्था में है वो। बाद में उसका वेलोसिटी होता है वी, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे बोला है। तो पहले वेलोसिटी जीरो होगा, एक मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले परिता इतने के कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही, छड़ का दूसरा सिरा धातु के पहले संपर्क अक्ष के अनुदिश सभी जगह। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होता है उससे मोशन कंडीशन में आता है तो उसका हमको औसत वेग निकालना होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है। तो वी एवरेज निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी और अपॉन टू, ऐसा होगा। देयरफॉर वी एवरेज इक्वल टू जीरो प्लस वी का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर एल इंटू ओमेगा, ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे एल इंटू ओमेगा अपॉन टू। देयरफॉर वी एवरेज इक्वल टू एल ओमेगा अपॉन टू, ये होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इक्वल टू होता है बी एल वी, तो वी एवरेज होगा यहाँ पर। क्यों हुआ? क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन से रॉड ने मोशन स्टार्ट किया। दैट इक्वल, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, ये हो जाएगा 0.5 टेस्ला इंटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर पुट कर, वी एवरेज का वैल्यू भी अपने को एल ओमेगा अपॉन टू पुट करना है। एक बार मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करने के बाद इसको वैल्यू पुट करता हूँ ना, दैट इक्वल टू बी इंटू एल और वी एवरेज एल ओमेगा इंटू टू एल या ओमेगा एल अपॉन टू, दैट इक्वल। अब वैल्यू पुट अप करो तो बी 0.5 एल 1 इंटू ओमेगा 400 इंटू एल तो ऑलरेडी 1 और अपॉन टू, ये हो जाएगा। तभी आंसर नहीं आ रहा था, ये हो जाएगा 200 और ये 5 दूनी 10, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 100 वोल्ट, इसीलिए आंसर मिस्टेक हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थोड़ा सा केयर करके ध्यान रखना, हमको निकालना पड़ेगा वी एवरेज, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 100 वोल्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आप लोग क्या है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट्स बनाते चलो, या आप बाद में वीडियो को बार बार देख के तैयार कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.6, एनसीईआरटी का उसका मैंने चेंज नहीं किया है उसके ऑर्डर को, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना हो तो आप फटाफट क्वेश्चन में 6.6 का मतलब होता है चैप्टर नंबर 6 का 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर होता है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स इज रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3×10⁻²⁺ टेस्ला ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल इफ द क्वाइल फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट इन द क्वाइल कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग Where does this power come from? That means क्या हुआ, ए सर्कुलर क्वाइल, एक वृत्ताकार कुंडली, रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर क्वाइल है अपने पास एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 20 फेरे हैं वर्टिकल डायमीटर के, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परिता 50 रेडियन पर सेकंड का एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टी बी देगा ही, उसी के बेस पर बनता है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम और ये एवरेज करंट फाइंड करना है। यदि इसका 10 ओम का क्या हो, रेजिस्टेंस का एक बंद लूप हो, तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट
जूल से उसमें कितना एनर्जी, कितना पावर, ठीक है, कितना पावर जनरेट होता है ये भी हमको फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले आप तो लिख लो क्या गिवन, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो, रेडियस 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 × 10⁻²। टर्न्स फेरों की संख्या 20, ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा इक्वल और तो हो गया कोणीय आवृत्ति से, व्यास के परिता इतने रेडियन की कोणीय आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ठीक है। कोणीय आवृत्ति से इतना टेस्ला, मतलब दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 3 × 10⁻²। यह गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है R=10 ओम। ये आपका गिवन डेटा है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, R 8 सेंटीमीटर का सर्कुलर लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें 20 बार उसमें वायर को लपेटा गया है, 20 है, इतने रेडियन 50 रेडियन पर सेकंड से उसको घुमाया जा रहा है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड पर, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पूरे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं क्वाइल घूम रहा है, कभी कोई स्ट्रेट लाइन रोटेट हो रहा है, मतलब दो ही चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई तार रखा है। अब तार चाहे परिनालिका के रूप में हो सकता है, सोलेनाइड के फॉर्म में, सर्कुलर लूप हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और यह रोटेट हो रहा है, लगभग सभी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जब कोई सर्कुलर क्वायल रोटेट होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं पहले फार्मूला पर डिस्कस कर लूँ फिर आगे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो तो E का जो वैल्यू होता है, सिंपल वे में जब E का जो वैल्यू होता है, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को पता हो और नंबर ऑफ टर्न्स भी पता हो, तो रेडियस पता हो तो उसको हम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। तो यह होता है एन ए बी, एक्चुअल में साइन ओमेगा टी होता है लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो बन जाता है कास होता है तो वो साइन बन जाता है, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, ये फार्मूला आप याद करके रखो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, बी क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओमेगा कोणीय वेग, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। बी कास ओमेगा टी को हमने क्या किया है डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए, विद्युत वाहक बल निकालने, क्योंकि ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी होता है। अब उसके प्रीवियस फार्मूला पर मैं नहीं जा रहा हूँ ना आपको, या थोड़ा सा बता दूँ, आपको पता है ई इक्वल टू होता है डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, और फाइव का वैल्यू होता है एन ए बी कास ओमेगा टी, ये होता है। तो यहाँ पर फाइव के वैल्यू को पुटअप करके जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कास का यहाँ पर साइन बन जाता है, निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो दिशा बताता है, तो इससे आया है। तो आप इस फार्मूला को डायरेक्ट याद करके रखो, ठीक है, इस फार्मूला को आप डायरेक्ट याद करके रखो तो बनेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए क्या होता है, ओमेगा टी का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए ओमेगा टी 90 डिग्री होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कॉइल के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी का वैल्यू तब 1 आएगा और साइन का जो वैल्यू 1 होता है वो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो देयरफॉर उस कंडीशन में हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, ई नॉट हम उसको लिखेंगे पीक वैल्यू, ई नॉट मतलब उसका अधिकतम मान, तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा
एन ए बी, और ये तो वन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू ये वन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ओमेगा। ये हो गया हमारा फार्मूला। इस फार्मूला के बेस पर हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखो, सब गिवन है, एन गिवन है, ए को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू, आगे मैं लिख दूँ नेक्स्ट पेज में, एन ए बी ओमेगा इक्वल टू एन ए बी ओमेगा ई नॉट, दैट इम्प्लाइज ई नॉट इक्वल टू एन, ए को लिख सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, और बी इंटू ओमेगा। फार्मूला के बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेशन पर ही बेस्ड हैं। अब इसके वैल्यू पुट अप करते जाओ, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 20, ओमेगा है 50, ये 20, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, ठीक है। रेडियस देख लें पहले अपन, रेडियस 8 × 10⁻², 8 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। बड़े बड़े कैलकुलेशन है फार्मूला में, बस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला दिया हुआ है, ये 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², और इंटू ओमेगा, ये 50 दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपकी ड्यूटी है, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूँगा मैं, ये स्टेप आप सॉल्व करोगे, आंसर किसका कितना आता है ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को लेके ही आप पहले साल में क्या किया रहो, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो ऐसा करना है, इसको आप ये 2 लो, 3.14 लो, 8 का स्क्वायर 16 लो, इंटू ये 3 लो, और वहाँ का 5 लो, ऐसा किया करो। ये तरीका ज़्यादा सही है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। अब जीरो के साथ में सॉल्व करो, देखो तो जीरो कौन कौन मिलेगा आपको, 10⁻⁴ स्क्वायर है तो, और -2 कितना हो गया, -6 हो गया, 6 में ये माइनस कर दो 5 हो जाएगा, और ये माइनस कर दो 4 हो जाएगा, तो हो गया 10⁻⁴। अब इतने पोर्शन को आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप ऐसा सॉल्व करना तो आसानी से होगा वो, ठीक है। बाकी आप इसको कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आंसर मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से, 2 × 3.14 × 16 × 3 × 5 / 10,000, 10,000 को मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, उसमें 10 की घात 4 मतलब 10,000 का उसमें भाग दे देंगे, 0.603 वोल्ट। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन के, धारा का मान पूछा है, ठीक है, इसमें बहने वाली धारा का मान पूछा है। ये देखो अधिकतम मान, धारा के अधिकतम मान, तो धारा कैसे निकलेगा फिर, I इक्वल टू, देयरफॉर कलर चेंज कर देता हूं मैं यहां पर, देयरफॉर अधिकतम धारा I नॉट इक्वल टू हो जाएगा E नॉट अपान R, क्यों, ओम्स लॉ से I इक्वल टू E नॉट मतलब विभव, तो E नॉट अपान R, दैट इक्वल यहां पर वैल्यू पुट कर दें, 0.603 अपान R कितना है, 10 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना R, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये सेकंड आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 0.0603 एम्पियर, ये आंसर हो गया। और एक पार्ट में और हमको भी पूछा है क्वेश्चन में, क्या पावर, सॉरी ये तो पीछे का क्वेश्चन, पावर है ना, यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब हमको क्या पूछा है, पावर पूछा है। तो पावर क्या हो जाएगा, देखो चूंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/2 V0 × I0, मतलब यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा ई नॉट, मतलब एक ही होता है, ई और वी में कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इक्वल 1/2 इंटू ई नॉट का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये 0.603, और इसका वैल्यू निकाला है 0.0603। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 को डिवाइड करो, देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करें 0.603, ये सब आप करके देखना ना, डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 0.018 वाट, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 पार्ट में इसका कैलकुलेशन करना है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे अधिकतम विद्युत वाहक बल, उसके बाद अधिकतम धारा, और अधिकतम धारा निकालने के बाद उसका पावर। ये है कैलकुलेशन ज़्यादा है इस चैप्टर के, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन ज़्यादा है। एक प्रॉपर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कैलकुलेशन पर बेस्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर ना यहाँ तक सबको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एनसीईआरटी के सभी चैप्टर का क्वेश्चन मैं करा दूं, उसके बाद फिर मैं अपना कलेक्शन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरा कलेक्शन मतलब फिर बहुत से डिफरेंट टाइप के बुक से होगा वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एग्जिस्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट जा रहा है, इज फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 × 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स टेस्ला। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, एंड सेकंड इट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, नेक्स्ट इज विच इन ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इन हिंदी, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 सेंटीमीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार, पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं सीधा तार, इतने मीटर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत इस स्पीड से चल रहा है। मैं बोला ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक वायर होगा, और वायर क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा। तो यहाँ पर ईएमएफ पूछा है, फिर इसका डायरेक्शन पूछा है, और किस में क्या है हायर पोटेंशियल होगा ये पूछा है। ओके, तो हम सबसे पहले हमेशा की तरह क्या लिख लें, गिवन, हम लिख लें गिवन की क्या दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, दैट इक्वल 10 × 10⁻²  मीटर, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.30 × 10⁴, ठीक है, इसको हम टेस्ला कह सकते हैं ये। और क्षैतिज घटक के लंबवत वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 नहीं केवल 5 मीटर पर सेकंड, ये हमको गिवन है। गिवन डेटा आपको समझ में आ गया, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर फिगर बना के आपको समझा देता हूँ कि सिचुएशन किस तरह का है। सिचुएशन ऐसा है, देखो ये स्ट्रेट अपने पर एक वायर है, इस स्ट्रेट वायर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर है, और ये क्या बोल रहा है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत, पश्चिम से पूर्व, ठीक, एक तरफ हम ईस्ट वेस्ट अपन सपोज करते हैं, तो ईस्ट क्या होगा, ये मेरा राइट हैंड ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। अब ये क्या हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है, फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, इसमें से नीचे गिर रहे हो, ये वायर नीचे गिर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड है ये 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला, इसमें वो नीचे गिर रहा है। तो हमको फाइंड करना है क्या, पहला विद्युत वाहक बल, ये मैंने नहीं लिखा, पहला पॉइंट में विद्युत वाहक बल फाइंड करना है। तो VLB डायरेक्ट फार्मूला है इसका, तो ठीक है,
इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, हम इसको बार बार अभी यूज कर रहे हैं, क्या है, EMF इक्वल टू बी एल इंटू वी, पहला तो ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू लेंथ दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और वेलोसिटी दिया है 5, मल्टीप्लाई करिए इसमें तो आंसर यही आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 से 5 दिया 15, ठीक है, तो 1.5 और इंटू ये माइनस 6 ये हुआ तो 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट, इतना दिया ईएमएफ, पहला आंसर क्या दिया 1.5 इंटू 10 माइनस 3 कैसे आएगा ऐसा, आंसर आ नहीं रहा इसमें, एनसीईआरटी में आंसर दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एक मिनट चेक करता हूँ ना इसको मैं, आंसर 10 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है, माइनस 3 कब आएगा, माइनस 3 कब आएगा जब ये माइनस 2 नहीं रहेगा, तो लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें प्रॉब्लम है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में आंसर दिया 1.5 न्यूटन माइनस 3, पॉसिबल ही नहीं है सेंटीमीटर में, वैसे भी सभी डेटा क्या है एम केस में दिया हुआ है, ये सुधार लो, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, ये सेंटीमीटर को काटो यहाँ से, ये मीटर हो गए, 10 मीटर होगा, यदि वो 10 मीटर हो जाए तो ये फिर हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, अरे पूरा मिटाओ इसको, 10 मीटर टेस्ला, और 10 मीटर हो जाए तो फिर ये यहां से हट जाएगा, इसको पूरा दोबारा लिखता हूँ मैं, चलो E इक्वल टू बी एल वी, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ E इक्वल टू बी एल वी, चूंकि E इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी दैट इक्वल, B का वैल्यू क्या दिया 0.3 टेन माइनस 4 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एल, लेंथ दिया 10, यही तो प्रॉब्लम हो गया था ना, और वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर, एक भी यूनिट थोड़ा सा इधर उधर होने से बहुत परेशानी हो जाती है, ये हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 दिया 15 है ना, 5 दिया 15 मतलब 5 3 1.5 हो गया, और इंटू 10 टू द पावर इसका पावर 1 है माइनस 3 वोल्ट ये दिया है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोलता है इसका, सेकंड पार्ट में बोलता है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, तो विद्युत वाहक बल की दिशा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाते हैं, देखो यहां पर जो मैंने बनाया है ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, यहां पर ये फोर्स है, ये फील्ड है, ये उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला मेरा फिंगर है उसको मैं ऐसे रखूँगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ये जो थंब होगा, ये जो अंगूठा होगा वो क्या होगा उसका ईएमएफ का डायरेक्शन शो करेगा, तो यहाँ पर देखो मेरा थंब क्या है ईस्ट टू वेस्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा करंट का ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन होगा ईस्ट टू वेस्ट। तो सेकंड आंसर इज ईस्ट टू वेस्ट एंड सी इज, सी में क्या पूछा है, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव होगा, हाई पोटेंशियल इंड क्या होगा। तो हाई पोटेंशियल इंड के लिए क्या होगा, देखो हाई पोटेंशियल इंड क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज ने बताया था कि यदि वो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो वहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। दैट मीन्स ये ईस्ट टू वेस्ट है, तो हाई पोटेंशियल इंड क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल इंड इज वेस्ट, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट EMF है, पोटेंशियल है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट, मतलब ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल हो जाएगा, कौन सा, वेस्ट। क्लियर, ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट होगा, पश्चिम से पूर्व, क्या है फिगर देखो, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वो तो ईस्ट टू वेस्ट ही होगा, ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूर्व ही होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऐसे ही हो गए। देखो यहाँ पर समझ गए ना आप, फर्स्ट डायरेक्शन को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा है, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये नीचे, यदि ऊपर जाते रहता तो हम उसको ऐसा लगाते, ठीक है, तो हम मोशन के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से लगाते हैं, तो ये ऐसा है तो ये इसका डायरेक्शन होगा, और उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल हाई एंड हो जाएगा, ओके। तो ये इसके दो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, और बाकी फर्स्ट पार्ट में पूछा है उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, छोटा सा स्टेटमेंट है और बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 1 सेकंड, एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टीमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, यदि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है तो औसत विद्युत धारक बल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम लिख लें क्या, गिवन क्या है, करंट फॉल होता है, ठीक है, कहां से कहां तक, I1 दिया हुआ है 5 एम्पियर, I2 दिया हुआ है 0.0 एम्पियर एंड टाइम इज 0.1 सेकंड और EMF इज 200 वोल्ट और इंड्यूस्ड EMF L पूछता है, L हमको फाइंड करना है, ठीक है, मतलब सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट L हमको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला है अपने पास, देखिए क्या, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, चूंकि E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले डी आई बाई डी टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहीं से फाइंड कर लेते हैं अपन। देखो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई टू माइनस आई वन, आई टू क्या है, यह आई वन माइनस आई टू, तो 5 एम्पियर माइनस 0 और टाइम इज 0.1, दैट मीन्स 50 एम्पियर पर सेकेंड, ओके। इस फार्मूला को हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, देखो therefore यहाँ पर हो जाएगा, इसका वैल्यू को पुट कर दें अपन L का, तो E इक्वल टू, E का तो वैल्यू पता है अपने को, E तो हमको क्वेश्चन में दिया है ना 200 वोल्ट, ये हो गया 200 इक्वल L एंड डी आई बाई डी टी इज 50, therefore
L equal to 200 upon 50, therefore L equal to 0 cancel out होगा और ये 4 Henry is answer. Henry क्या है, इसका यूनिट है, तो हो जाएगा 4 Henry. क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दो लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये भी छोटा सा स्टेटमेंट है. देखो बड़े बड़े स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट देख के ही थोड़ा सा डर लगने लगता है ना, क्या क्या बोला है. छोटा स्टेटमेंट देखो. ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंडक्शन पर है, 1.5 हेनरी. इफ द करेंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पीयर 5 सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, अभी जो पढ़े हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन है. बस इसमें म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है. क्या क्या गिवन है? म्यूचुअल इंड्यूस्ड m का वैल्यू दिया है, इसमें m दे दिया है, ठीक है, 1.5 हेनरी, 0 टू 2 एम्पियर, ठीक है, मतलब सीधा इन 5 सेकंड. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, di/dt गिवन है अपने को, क्या 0 टू 20 मतलब 20 अपॉन 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है. ओके, अब क्या पूछा है, अच्छा फ्लक्स कितना होगा, तो फार्मूला क्या है अपने पास, E इक्वल टू एम डी बाई डी टी या डी फाइव बाई डी टी, है ना, E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी. देयरफॉर E को हम लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू एम, तो एम का वैल्यू हम पुट कर दें, कितना दिया 1.5 और इंटू 40, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, डी फाइव बाई डी टी एम डी आई. क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम 0.5 दिया है ना, इसको इतना लेंदी करने में थोड़ा आसान करता हूँ मैं, इसको फार्मूला को चेंज कर रहा हूँ. E को लिख लो डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, है ना, देयर फोर डी फाइव इक्वल टू लिख सकते हैं अपन एम इंटू डी आई, एम इक्वल टू एम इंटू डी आई 1.5 और 20, वो टाइम चेंज का जरूरत ही नहीं है अपने को, ये जो मैं निकाला हूँ इसका जरूरत ही नहीं, ये आसान कर दिया कैलकुलेशन को, फिर टाइम डिवाइड करना पड़ता. टाइम मतलब यहाँ डमी डेटा है मान के चलो, ये जो टाइम दिया है ना इसका कोई रोल नहीं यहाँ पर, सीधा हम कर सकते हैं क्या डी आई, तो डी आई का मतलब इसका, हाँ सॉरी टाइम का मतलब नहीं है, ये तो काम का है, टाइम कोई काम का नहीं है, तो डी आई का वैल्यू डायरेक्ट 20, दोनों तरफ से टाइम कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, ये भी टाइम, दोनों तरफ से टाइम तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, फिर टाइम पुट करो फिर उसको डिवाइड करो, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो एम का वैल्यू हमको पता है कितना 1.5 और डी वाई का वैल्यू इतना इक्वल टू सीधा हो गया 30, तो नंबर ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा 30 वेबर मीटर. ये आंसर आया है एनसीईआरटी में, आप देखो आंसर आया है 30 वेबर मीटर. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखिए. अब आप न्यूमेरिकल भिड़ के करिए, आप लोग का न्यूमेरिकल का बहुत इंतजार था, अब मैं फटाफट न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ, उसके पहले आप लोग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, लेकिन चैप्टर को बहुत अच्छे से, अदरवाइज न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा. देखो, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ
1800 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इन ऑफ द विंड हैविंग ए स्पैन ऑफ 20 मीटर स्पैन ऑफ 20 मीटर इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो करंट डेवलप कर रहा है, लोकेटिंग हैज ए मैग्नीट्यूड 5×10⁻⁴ टेस्ला एंड द डीप एंगल, एंगल ऑफ डीप दिया है, एंगल ऑफ डीप इज 30 डिग्री, मतलब अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ में इसका रिलेशन है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटीज गतिमान है, प्लेन के पंख 25 सेंटीमीटर लंबे हैं, इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, प्लेन के विंड के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्थान पर टी तथा नति कोण 30 डिग्री है। ओके, चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लें, फिर डिस्कस करेंगे उस पर कि करना क्या है अपने को। गिवन क्या है, स्पीड ऑफ द प्लेन, दैट मीन्स वी इक्वल टू 1800 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 1800 इंटू 5/18, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, 5/18 मल्टीप्लाइन करने से ये मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। दैट इक्वल, ये 18 कैंसिल आउट होगा 10, ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले काम कर लिया वेलोसिटी, फिर क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है विंग का, ठीक है, लेंथ उसका 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25×10⁻², मीटर ये गिवन है, और इंटेंसिटी कितना होता है ये दिया हुआ है, बी इक्वल टू 5×10⁻⁴ टेस्ला, और एंगल ऑफ डीप नति कोण डेल्स रिप्रेजेंट करते हैं, यह दिया है 30 डिग्री, इतना गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, और हमको निकालना है क्या इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विभवांतर ई। अब देखो, पहले मैं आपको इसको बताने से पहले बता दूं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल एंगल्स पर, ये अर्थ का जो फील्ड होता है इस तरह से, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल फील्ड होता है, ये वर्टिकल फील्ड होता है, डेल एंगल ऑफ डीप, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, तो यहां पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने कंपोनेंट पढ़ा होगा एंगल ऑफ डीप, तो इसका यदि हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये डेल के दूर वाला साइड है, पास वाला है, तो ये हो जाता है बी साइन डेल, इसका वर्टिकल जो होगा वो बी साइन डेल होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में वर्टिकल बात किया है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फार्मूला होगा, ई इक्वल टू होता है बी एल वी, ठीक है, बी एल वी इसका फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला हमें बार बार यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वील बी का जो वैल्यू अपन पुट करेंगे, तो देयर फॉर ये ई इक्वल टू हम ये फार्मूला पुट करेंगे ना, बी इंटू साइन डेल इंटू एल इंटू वी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल दिया हुआ है अपने को, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है ये, और एल का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, बेस्ट टू इज 25 मीटर, ओह सॉरी यहाँ तो मीटर 25 सेंटीमीटर, जेड प्लस चिम से कहते हैं, ये गलत है, इसको सुधार लेना, ये मीटर होगा, ये राइट है, मीटर होगा, तो यहाँ पर फिर ये मीटर सेंटीमीटर के चक्कर में ऐसा आंसर बहुत मिस्टेक हो जाता है ना, सब मीटर, अरे बाप रे, बड़ा इरेजर बन गया, चलो ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, हैं दोबारा लिख देता हूँ भाई, सब मैं दोबारा समझ आ जाएगा आप लोग को,
1800 इंटू 5 अपॉन 18 इक्वल ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन मैंने बोला, इंटेंसिटी B इक्वल टू कितना दिया, 5×10⁻⁴ टेस्ला। और क्या दिया, लेंथ, यही गड़बड़ हो गया था ना, लेंथ इक्वल टू कितना 25 मीटर, वेलोसिटी ठीक, बस इसका वैल्यू पुट करना है, डेल तो दिया हुआ है, तो E इक्वल टू B साइन डेल एल वी, देयरफॉर E इक्वल टू B साइन डेल इंटू वी इंटू एल, ये फार्मूला हो जाएगा। B के जगह में B का वर्टिकल कंपोनेंट रखेंगे अपन, दैट इक्वल वैल्यूज पुट करो फिर इसके, B का वैल्यू 5×10⁻⁴, 5×10⁻⁴ इंटू साइन डेल, मतलब साइन कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री, और इंटू वी 30 डिग्री ना, वी का वैल्यू 500, एल 25, 500×25, चलो भाई इसको आप लोगों को सॉल्व करना है अब, ठीक है, ये हो गया 5×10⁻⁴ साइन 30, 1/2 इंटू, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन पर बेस्ड है, अब कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इसको आप लोग कर लेना, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ कितना आना चाहिए इसका आंसर, मैं कैलकुलेट कर दूँ, 5×10⁻⁴ इंटू 1/2 इंटू 500 इंटू 25, ये करने से आएगा 3 अप्रोक्स वैल्यू, मतलब ये आ रहा है 3.1 वोल्ट, ये इसका आंसर है, क्लियर। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए एनसीईआरटी के, और अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम सबसे पहले करेंगे, बाकी चैप्टर भी बहुत जल्दी फटाफट करूंगा, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप लोग चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उससे डबल फायदा होगा, आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा आगे, और न्यूमेरिकल्स आपको तेज़ी से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिंग करेंट का हम न्यूमेरिकल्स, इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप डरिए मत उसके लिए कि सर इतने दिन में आप वीडियो बनाए, उसके वजह थे मेरा पूरा फोकस था पहले चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनको पहले बोर्ड का तैयारी करना है, बोर्ड में पास होने के लिए प्रिपरेशन करना है, फिर सेकंड नंबर में न्यूमेरिकल्स का आता है, ये दोनों हो जाए तो फिर कॉम्पिटिटिव का, ऐसे भी आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव के लिए हम एक नया चैनल बना रहे हैं, और उससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, IIT JEE NEET का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।